नमस्कार दोस्तों, तो कैसी है मेरी पहाड़ी यूट्यूब फैमिली। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सुबह की प्यारी गुड मॉर्निंग आप लोगों को। बढ़िया व्यू आज देखने को मिल रहा है और हम जा रहे हैं कसैले की तरफ दूध पहुंचाने के लिए। व्यू काफ़ी मस्त है, वेदर खुला हुआ है, बादल आपको नज़र नहीं आ रहे हैं। ये देखिए, हम दूध पहुँचाने के लिए जा रहे हैं कसैले की तरफ। तो कसैले चल के आपको आगे का व्यू दिखाता हूँ। तो दोस्तों, ये है कसैले से आज सामने मुक्तेश्वर घाटी का नज़ारा। हल्का हिमालय देखने को मिल रहा है, ऊँची ऊँची टीलियाँ ये देखिए। तो ये नज़ारे हैं अभी मॉर्निंग के समय, खूबसूरत नज़ारे। तो चलते हैं चकोटा की तरफ। तो दोस्तों, मैं चकोटा पहुंच चुका हूं और यहां पर है थोड़ा हमारा मटेरियल आया हुआ है, जैसे कि थोड़ा हमारा सरिया, ईंटा और रेता थोड़ा बहुत यहां पर आया हुआ है। तो इसको उतारते हैं और काम यहां पर आज थोड़ा बहुत मिट्टी की फिलअप यहां पर हो रही है, मिट्टी भराई कार्य हो रहा है। दोस्तों, अभी बज रहे हैं दोपहर के 2:30। तो मैं हूँ कसैले मार्केट पे। आज वेदर काफ़ी बढ़िया हुआ है, सुबह से ही धूप आई हुई है। अभी हल्के हल्के बादल आ रहे हैं आसमान पे। मैं हूँ कसैले मार्केट पे, अभी हूँ नीलकंठ रेस्टोरेंट की छत पे और लोगों का जीवन यहाँ पे सामान्य चला हुआ है। मार्केट में थोड़ी भीड़ हो रही है अभी। और सामने धानाचुली और सुंदरखाल एरिया, धारी एरिया का व्यू काफ़ी मस्त आ रहा है। तो मुझे जाना है सुनकिया की तरफ को, थोड़ा काम है वहाँ पर। अभी बाद में आपको बताऊँगा जी वहाँ पर जल के। तो चलते हैं अभी सुनकिया की तरफ के, वहाँ से दिखाता हूँ आपको कितना बढ़िया व्यू आ रहा है और क्या यहाँ पे मस्त वहाँ से देखने को मिलता है। तो दोस्तों, फाइनली मैं पहुँच चुका हूँ सुनकिया गांव पे और सामने देखिए काफ़ी मस्त व्यू यहाँ से देखने को मिलता है। मुक्तेश्वर घाटी और मुक्तेश्वर महादेव टेम्पल यहाँ से साफ दिखाई देता है और आसपास काफ़ी खूबसूरत एरिया, काफ़ी बढ़िया ग्रीनरी, आसपास जंगल। और मैं यहाँ पर आया था एक ज़मीन की फुटेज लेने, जो पहले किसी ने दे रखी है, उनको फुटेज सेंड करनी उनकी लैंड की। तो दोस्तों, ये वो प्रॉपर्टी है जो मैं जिसकी फ़ोटोज़ लेने यहाँ पे आया हुआ था और ये हमने ओनर को देनी है ताकि उनको समझ आ पाए कि आजकल हमारी प्रॉपर्टी पे क्या चल रहा है, क्या अभी प्रॉपर्टी पे हो रहा है। तो ये उनकी प्रॉपर्टी है और इसी के बगल से लगता हुआ एक घर बन रहा है नया और नीचे एक गाँव में गाँव वाले का घर। तो ये प्रॉपर्टी है, उनको फुटेज लेते हैं, उनको देते हैं। और सबसे मस्त है यहाँ से दोस्तों, जो मेरे को अच्छा लगता है वो है व्यू। देखिए कितना खुला व्यू आ रहा है और आसमान में देखिए क्लाउड एकदम घाटी के ऊपर नज़र आ रहे हैं। अभी मैं रोड पे खड़ा हूँ, रोड से आपको व्यू दिखा रहा हूँ। काफ़ी सुंदर अमेजिंग व्यू देखने को मिल रहा है ये देखिए, और ऊपर मुक्तेश्वर टेम्पल और मुक्तेश्वर घाटी, और नीचे एक नदी बहती है दोस्तों। ये देखिए खूबसूरत इसका भी लुक आता है, काफ़ी बढ़िया इसका शोर सुनाई देता है। और ये वो जो घर है, जो बगल में इस लैंड के बगल में ये घर बन रहा है, ये भी किसी बाहरी लोगों का ही यह घर बन रहा है। और ऊपर मुक्तेश्वर घाटी काफ़ी बढ़िया लगती है यहाँ से, और सामने की ग्रीनरी काफ़ी खूबसूरत व्यू देखने को मिलता है। दोस्तों, अभी बज रहे हैं शाम के 5:30। मैं आ चुका हूँ चकोटा वाली साइड पे और व्यू मस्त आ रहा है अभी शाम के समय में। ऊँची ऊँची टीलियों पर अभी धूप रही है, सनसेट होने वाला है और हम यहाँ वेट कर रहे हैं। हमारा पत्थर आने वाला है, पत्थर की गाड़ी आने वाली है, उसका वेट कर रहे हैं। तो दिन भर यहाँ पे जो काम हुआ है मैं आपको दिखाता हूँ, थोड़ा बताता हूँ कितना यहाँ पे काम हुआ है आज। दोस्तों, जो सामने का व्यू देखिए, ये है धानाचुली का। अभी जो आप व्यू देख रहे हैं, ये धानाचुली का व्यू आ रहा है, मस्त व्यू आ रहा है। ऐसा लग रहा है बादल उतर रहे हैं नीचे, कोहरा छा रहा है धीरे धीरे, और शाम का भी अपना व्यू होता है पहाड़ों से, मस्त व्यू होता है। सनसेट अभी होने वाला है, देखिए सामने कितनी बढ़िया धूप अभी ऊँचाई पर रही हुई है। तो मैं आ गया हूँ रोड पे और देखिए बारिश के बाद रोडों का हाल क्या हो रखा है। बारिश काफ़ी ज़्यादा बारिशें हुई हैं इस बार भी, बर्फ़ अभी गिरी नहीं। सुबह हमारा थोड़ा रेता आया हुआ था जो यहाँ पर स्टॉक किया हुआ है, और सामने जो एक कॉलम देख रहे हैं सुबह दिन में इसकी भराई हुई है कॉलम की, और थोड़ा बहुत ऊपर से जो ईंट देख रहे हैं, ऊपर से ईंट यहाँ पर स्टॉक किए गए हैं ताकि जो एक कॉलम देख रहे हैं, कॉलम के बगल से यहाँ पर रिटेनिंग वॉल, सॉरी जो ईंटों की दीवार है वो बनेगी। तो दिन में ये कॉलम की यहाँ पर भराई हुई है, और ये सामने हमारी रिटेनिंग वॉल अभी इस पर चिनाई रही हुई है, क्योंकि सारा देख सकते हैं आसपास मिट्टी कितनी गीली है। तो दोस्तों, इस प्रकार हमारा दिन में काम हुआ था, मैंने आपको दिखाया। और थोड़ा ऊपर देखिए जो मिट्टी है, मिट्टी भरी गई है इसके पीछे। तो ये काम था हमारा आज दिन भर का यहाँ पर। तो अभी हम वेट कर रहे हैं अपने पत्थर की गाड़ी का, जो पत्थर आने वाला है हमारे पास। पत्थर आता है फिर निकलते हैं घर की तरफ को। व्यू काफ़ी मस्त आ रहा है अभी शाम के समय पहाड़ों से, और ख़ास तौर से चकोटा से। आपको ये व्यू कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर।
दोस्तों देखिए आसमान में चांद भी काफ़ी मस्त नज़र आ रहा है। अभी खूबसूरत चांद दिखाई दे रहा है आसमान में। क्या शहरों में दिखाई देता है इस प्रकार चांद? और शहरों में तो काफ़ी बिल्डिंग्स ही होती हैं चारों तरफ, लेकिन पहाड़ों से व्यू देखें, काफ़ी मस्त व्यू देखने को मिलता है। आप लोगों को व्यू कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ठंडा काफ़ी हो रहा है, दीपक भाई ने जला रखी है मस्त आग अंदर, तो आग सेकते हैं और वेट कर रहे हैं पत्थर का, जो मैंने आपको बताया पत्थर आता है फिर आपको दिखाता हूँ। तो चलिए थोड़ी देर आग सेकते हैं। फाइनली दोस्तों अभी बज रहे हैं शाम के 6 और पहाड़ों में हो चुका है बिल्कुल अंधेरा, और लगभग हर किसी ने अपने घरों की लाइट जला ली है बाहर की। तो हमारा पत्थर आ चुका है, पत्थर की यानी कि पत्थर की गाड़ी आ चुकी है। तो पत्थर अब नीचे उतारते हैं, उसके बाद मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखिए पत्थर की गाड़ी आ चुकी है पूरी, और अंधेरा पहाड़ों में हो ही चुका है दोस्तों, ये देखिए। और बढ़िया चांद आसमान में चमकता हुआ दिखाई दे रहा है, बढ़िया लग रहा है। अभी शाम का मौसम भी काफ़ी रंगीन होता है पहाड़ों का, काफ़ी खुशनुमा माहौल बने रहता है, और शांति तो पहाड़ों में अपने आप में होती है। तो फ्रेंड अभी तक यहाँ स्टोर में हमने आग जलाई हुई थी और आग के सहारे हम बैठे हुए थे, क्योंकि ठंडा काफ़ी हो रहा है पहाड़ों में शाम के समय में। तो चलते हैं अभी दिखाता हूँ नीचे पत्थर। ना सही है, पत्थर हमारा उतर चुका है, तो यहाँ से निकलते हैं आप घर के लिए। काफ़ी अंधेरा हो चुका है, पत्थर काफ़ी लेट आया, तो पत्थर ये रहा पत्थर का लुक जो अभी तो ये देखने को मिल रहा है। तो चलते हैं घर की तरफ को। तो दोस्तों ये कुछ नज़ारे हैं, देखिए अभी रोड थोड़ा जाम हुई पड़ी है ट्रक की वजह से, जगह नहीं है, और सामने खूबसूरत नज़ारा, खूबसूरत व्यू देखने को मिल रहा है पहाड़ों में, जंगलों के बीच खूबसूरत लाइटिंग देखिए, काफ़ी मनमोहक सुंदर दृश्य शाम के समय में। तो निकलते हैं घर की तरफ को। तो दोस्तों फाइनली घर पे पहुंच चुके हैं, और भाई लोगों ने मस्त यहाँ पर आग जला रखी है, यानी कि बॉनफायर कर रखा है। आप देखिए पहाड़ों में ठंड के दिनों में इस प्रकार बाहर पे आग जलाकर सेकने का मज़ा ही कुछ और होता है। तो हमें भी ठंडा काफ़ी हो गया था, हम भी चकोटा से आ रहे थे, भाई लोगों ने यहाँ पर मस्त आग जला रखी है तो राहत मिल गई। तो थोड़ी देर सेकते हैं आग, और पूरी रात हो चुकी है पहाड़ों में। देखिए सामने का नज़ारा, सभी ने अपने घरों की लाइट जला रखी है, और क्या नज़ारा आ रहा है, बेहतरीन व्यू शाम के समय में। और हमने भी सभी लाइट जला दी हैं घरों की। तो फ्रेंड ये था हमारा दिन भर का ब्लॉग, आप लोगों को कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हैं तो मिलते हैं अपने अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए।